झारखंड, जहां जिंदगी में है सादगी, बहती है जहां सृजन की धारा, परंपराओं में है समृद्धि और शिल्प कला का है बेजोड़ नमूना, एक जुनून गीली मिट्टी में जिंदगी को उतारने का, लोक परंपराओं एवं मूर्तियों की अनमोल धरोहर। सोलहवीं सदी में मल्ल राजाओं के काल में बने मालूटी ग्राम के टेराकोटा मंदिर इस क्षेत्र में शिल्पकला की बुलंदियों के जीते जागते सबूत हैं। झारखंड में टेराकोटा के विकास का एक कारण यहाँ की मिट्टी है, जो जलाए जाने पर सुर्ख लाल रंग की हो जाती है। झारखंड टेराकोटा की विशेषता है प्रकृति के साथ साथ लोक जीवन का चित्रण, कलाकृति का एक अद्भुत स्वरूप। गहनों, टाइलों, दीवारों की सजावट, घरेलू सजावट के सामानों एवं अन्य रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, जिनमें आदिवासी लोक परंपरा की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है। झारक्राफ्ट झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के अधीन एक ऐसी इकाई है, जो इन चीजों की खरीद बिक्री कर एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षण देकर इन धरोहरों को दुनिया के सामने लाने का काम कर रही है। रांची के निकट बुंडू में स्थित आधार महिला उद्योग समिति के जरिए टेराकोटा शिल्प को आधुनिक रंगों में रंगने का काम किया गया है। झारक्राफ्ट यहाँ की ग्रामीण महिलाओं को इस संस्था के माध्यम से टेराकोटा शिल्प कला का प्रशिक्षण देने में मदद करती है। गैर सरकारी संस्था कला मंदिर, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित नीमडीह के पारंपरिक रूप से मिट्टी का काम करने वाले कुम्हारों के बीच टेराकोटा को लोकप्रिय बनाने का काम कर रही है। शांति निकेतन के प्रशिक्षकों द्वारा बुंडू एवं नीमडीह के टेराकोटा शिल्पकारों को पारंपरिक एवं वर्तमान मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ साथ झारक्राफ्ट पेपर मैशे शिल्प को भी बढ़ावा दे रहा है। खूंटी तथा दुमका जिलों में महिलाओं को पेपर मैशे का प्रशिक्षण देकर उनके रोजगार का एक नया आधार शुरू किया गया है। इन खूबसूरत एवं हल्की फुल्की सजावट की चीजों में झारखंड की अनूठी संस्कृति की एक अनूठी झलक मिलती है। झारक्राफ्ट यानी आजीविका के विकास एवं परंपराओं के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था।